بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من ودون ذلك فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تبيد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون तुझसे पहले भी जो रसूल हमने भेजा उसकी तरफ यही वही नाजिल फरमाई कि मेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं बस तुम सब मेरी ही इबादत करो। मुशरिक लोग कहते हैं कि रहमान औलाद वाला है, गलत है, उसकी ज़ात पाक है, बल्कि वो सब उसके बाइज़्ज़त बंदे हैं, किसी बात में अल्लाह पर पेश दस्ती नहीं करते बल्कि उसके फरमान पर कारबंद है, वो उनके आगे पीछे के तमाम उमूर से वाकिफ़ है, वो किसी की भी सिफारिश नहीं करते बजुज़ उनके जिनसे अल्लाह खुश हो, वो तो ख़ुद हैबत इलाही से लर्ज़ा व तरसा हैं। उनमें से अगर कोई भी कह दे कि अल्लाह के सिवा मैं इबादत के लायक हूँ तो हम उसे दोज़ख़ की सज़ा दें। हम ज़ालिमों को इसी तरह सज़ा देते हैं। क्या काफ़ी लोगों ने ये नहीं देखा कि आसमान व ज़मीन बाहम मिले जुले थे, फिर हमने उन्हें जुदा किया और हर जिंदा चीज़ को हमने पानी से पैदा किया। क्या ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाते? और हमने ज़मीन में पहाड़ बना दिए ताकि वो मखलूक को हिला ना सके, और हमने उसमें कुशादा राहें बना दी ताकि वो रास्ता हासिल करें। आसमान को महफूज छत भी हमने ही बनाया है, लेकिन लोग उसकी कुदरत के नमूनों पर ध्यान ही नहीं धरते। वही अल्लाह है जिसने रात और दिन और सूरज और चाँद को पैदा किया है, उनमें से हर एक अपने अपने मदार पर तैरते फिरते हैं। आपसे पहले किसी इंसान को भी हमने हमेशगी नहीं दी। क्या अगर आप मर गए तो वह हमेशा के लिए रह जाएंगे? हर जानदार मौत का मज़ा चखने वाला है। हम बतरी के इम्तिहान तुम में से हर एक को बुराई भलाई में मुबतला करते हैं और तुम सब हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। सूरह अंबिया आयत नंबर 25 से आयत नंबर 35। मोहतरम सामीन, अज़ीज़ मार बहनों, अल्लाह ने इससे कबल तौहीद रबूबियत की दलील दी जिसे दलील तमानों कहा जाता है, यानि एक ही संसार एक ही कायनात में दो इलाह दो माबूद नहीं हो सकते, और अगर ये चीज़ होती बिलफर्ज़ तो ये आसमान और ज़मीन कब के फना हो चुके होते।
और ज़मीन व आसमान का फना नहीं होना इस बात की दलील है कि इस पूरी कायनात को चलाने वाला अकेला अल्लाह ही है। अब इस बात को बंदों के दरमियान मुतआरफ़ कराने के लिए और बंदों को समझाने के लिए अल्लाह ने अंबियाए किराम का सिलसिला जारी किया, और जितने बेहतर अंदाज में अंबिया ने अल्लाह की तौहीद को समझाया कोई नहीं समझा सकता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो कहते हैं कि मैंने अपनी कौम को लैल व नहारा, रात दिन तेरी इबादत की तरफ, तेरी बंदगी और तेरी वहदानियत की तरफ दावत दी। ये अंबिया की दावत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से खुद कुरान मजीद ने एतराफ़ किया, लअल्लक बाख़िउन नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा, कि लगता है शायद के आप अपनी जान को हलाकत में डाल देंगे इन लोगों के पीछे अल्लाह के दीन, अल्लाह की तौहीद को मनवाने के लिए, अगर ये लोग ईमान नहीं लाए। ये नतीजा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंथक मेहनत। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत और अपनी मेहनत के ताल्लुक से बयान किया, व अना आखिज़ुम बिहुजसिकुम अनिन नार व अंतुम तक्तहिमून फिया, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ कर जहन्नम की आग से बचा रहा हूँ और तुम हो के उसी आग में गिरते चले जा रहे हो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतों का विषय। उसी सिलसिले में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूल, आपसे पहले हमने जो भी रसूल भेजा है, इल्ला नूही इलै, हमने उसकी तरफ यही वही नाजिल फरमाई, अन्नहू ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, इबादत के लायक नहीं, फाबुदून, बस मेरी ही इबादत करो। जब इबादत के लायक मैं ही हूँ तो इबादत मेरी ही होनी चाहिए, मेरे सिवा किसी और की इबादत नहीं होनी चाहिए। ये सारे अंबिया की मेहनत और काविश का नतीजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्न में एक हदीस भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मेहनत की और उसके नतीजे में लोग शिर्क की तरफ मायल रहे, जबकि ला इलाहा इल्लल्लाह यानि अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करने का अजर फजीलत कितनी बड़ी है। आखिरी टाइम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बात की कोशिश करते रहे। अबू तालिब के बारे में मालूम है, ज़िंदगी के आखिरी मरहले पर पहुँच चुके थे, वहाँ अबू जहल भी है, अब्दुल्ला बिन अबी उमैया भी है, उसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को कहा कि चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करो। वो दिल से मानते थे, ज़बान से इकरार नहीं करते थे। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह की वहदानियत को सिर्फ दिल से नहीं बल्कि ज़बान से भी इकरार करना होगा, मानना होगा कि अल्लाह ही हमारा माबूद है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़िम्न में इरशाद फरमाया, जो आपकी दावत का लुब्बे लबाब था, जैसा कि मुस्लिम की रिवायत में हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मन शहीद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहिन नार, के जो इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, हर्रमहुल्लाहु अलन नार, अल्लाह उसके पर जहन्नम की आग को हराम करा देगा। और यही तो पूरा दीन है कि सिर्फ इलाहियत उलूहियत अल्लाह के लिए तस्लीम की जाए और रिसालत के मकाम के पर सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा जाए। कलमा यही है और यही पूरा दीन है जो इसके अंदर समेट दिया गया है। और इसकी फजीलत क्या है, एक मशहूर रिवायत आप बारहा सुनते रहते हैं जिसे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी, के क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदे को बुलाएगा, बुलाने के बाद उसके सामने उसकी नेक उनके सारे आमाल के जो गुनाह सारी चीज़ें भरी होंगी 99 रजिस्टर होंगे, ता हद निगाह उसके सामने पेश कर दिया जाएगा। अब उसके बाद अल्लाह सवाल करेगा, अफलक उज़्रुन, क्या तेरे पास कोई उज़्र था, बहाना था? वो कहेगा नहीं। मोमिन बड़ा साफ को होता है, लीपा पोती वाली बातें, घुमा फिरा कर बातें करना, झूठ बोलना, ये मोमिन की शान के ख़िलाफ़ है। वो बिल्कुल क्लियर और साफ अंदाज की बात करता है, वो साफ कहेगा कि अल्लाह कोई बहाना कोई उज़्र नहीं। उसके बाद अल्लाह कहेगा कि क्या अवलमा का कतबतिल हाफिज़ुन, के तेरे रिकॉर्ड को लिखने वाले किरामन कातिबीन ने कोई जुल्म और ज़्यादती की? वो कहेगा नहीं। सब क्लियर होगा। उसके बाद अल्लाह कहेगा जा, तेरे नामे आमाल को वज़न किया जा रहा है,
इस हदीस को हदीस बेताका कहा जाता है। अरबी जबान में बेताका कार्ड को कहते हैं। वो कहेगा अल्लाह एक 99 रजिस्टर वो भी ताहत देनेगा और इनको तौला जाएगा और उसके मुकाबले में सिर्फ एक कार्ड है जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, दोनों का क्या मुकाबला। अल्लाह कहेगा जा तू पहले वज़न तो करा। वो जाएगा, वज़न होगा, उसके सारे गुनाहों के रजिस्टर को एक पर्ले में रख दिया जाएगा और दूसरे पर्ले के अंदर कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को रखा जाएगा। नतीजा क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सारे के सारे 99 रजिस्टर वाले मीज़ान ये अपनी जगह के पर ऊपर हो जाएंगे, हल्के पड़ जाएंगे। वसकुलतिल बिताका, और वो एक अकेला कार्ड जिसके पर कलमे तौहीद होगा ये सारे गुनाहों के पर भारी होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तस्सरा किया? कहा फला यस्कुलु मा इस्मिल्लाहि शै, अल्लाह के नाम के सामने कोई चीज़ कोई हैसियत कोई वज़न नहीं रखती। ये अल्लाह की तौहीद है, उसको मानना है, उसका इकरार करना है और उसका नतीजा है कि अल्लाह उसकी बरकत की बुनियाद के पर सारे गुनाहों को बख्शे देगा। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह खुद कहता है या इब्न आदम लव अतैतनी बिकराबिल अर्द खताया, कि आदम की औलाद अगर तू ज़मीन भरकर खता लेकर आए सुम्म लकीतनी ला तुशरिक बी शैया, और इस हालत में मुझसे मुलाकात करे कि तूने मेरे साथ बिल्कुल शिर्क नहीं किया, लअतैतुका बिकराबिहा मगफिरा, तो मैं उतनी ही मगफिरत उतनी बख्शिश तेरे सामने लेकर आऊँगा। ये अल्लाह का वादा है तौहीद की बुनियाद पर शिर्क ना करने की वजह से। तो सारे अंबिया सारे रसूलों की दावत का मरकज यही था और यही वो चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बात की दावत देते थे। चुनांच अस्सुनन अल कुबरा लिल बैहक़ी के अंदर है हज़रत तारिक बिन अब्दुल्ला अल मुहारबी ये बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ये जुल मजाज मक्का का एक बाज़ार था और वहाँ ये ख़रीद व फरोख्त करते हुए करने के लिए गए थे। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप सुर्ख लिबास ज़ेब तन किए हुए थे और मैंने आपको ये फरमाते हुए सुना, ये दावत देते हुए सुना, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो कामयाब हो जाओगे। और दूसरी रिवायत में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तमलिकुल अरब वल अजम, अल्लाह अरब और अजम दोनों की बादशाह तुम्हारे ज़ेर नगी कर देगा। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कही वहीं पर एक शख्स अबू लहब मौजूद था, तो उसने क्या कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर पीछे से पत्थर मारा जिसकी वजह से आप लहू लहान हो गए। और बुखारी की रिवायत में उसने कहा तब्बल्लका या मोहम्मद अली हादा जमातना, जैसा कि आपको है सफ़ा के पर जब खड़े हुए थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा बुरा हो क्या इसी के लिए यहाँ पर जमा किया है। ये दावत बड़ी अजीब है, कौन दुश्मन बन जाए कहाँ नहीं जा सकता। सग्गा चचा जो नबी की विलादत के पर अपनी लौंडी को खुशी के मारे आज़ाद कर देता है सिर्फ खुशखबरी सुनाने की बुनियाद पर कि आज मेरे इंतकाल शुदा मरे हुए भाई के यहाँ पर औलाद हुई है, मेरा भतीजा आया है, इस खुशी में उसने अपनी लौंडी सौबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो बाद में मुसलमान हो गई उसे आज़ाद कर दिया। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने अपनी दावत को पेश किया नतीजा क्या हुआ? आपके पर पत्थर बरसाए, लहू लहान किया, हर जगह मुखालफत करता हुआ नज़र आया। ये वाहिद शख्स है जिसके बारे में कुरान मजीद के अंदर नाम लेकर सूरह आई उसका नाम लिया गया, वरना कुरान मजीद में आपको अबू जहल का नाम नहीं मिलेगा, वलीद का नाम नहीं मिलेगा, वलीद बिन मुगीरा है, उतबा है, शैबा है, रबिया, बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम, नाम नहीं मिलेगा, ना अब्दुल्ला बिन उबई जैसे मुनाफिक का नाम मिलेगा। लेकिन नाम लिया गया तो अबू लहब जो नबी का चचा था, क्यों नाम लिया गया? उसकी बड़ी वजह यह है कि अरब के अंदर उमूमी तौर के पर यह देखा जाता कि अगर कोई शख्स हो कोई मुद्दा लेकर या कोई मिशन लेकर खड़ा हुआ है तो ऐसे में उसके घराने उसके कबीले का कोई फ़र्द उसका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर उसके कबीले और घर वाले उसका साथ दे रहे हैं तो लोग उस दावत के पर उस बात के पर तवज्जो दिया करते थे कि घर के लोग कबीले के लोग उसकी बात मान रहे, कुछ तो है कि जब उसके अतराफ़ के लोग जो उसे सबसे बेहतर पहचानते हैं वो मान रहे हैं। और उसने यही जाहिर किया
कि इनके अपने घराने के लोग ही इनकी बात नहीं मानते, और इसका नतीजा ये हुआ कि दावत जितनी तेज़ी के साथ फैलना चाहिए थी नहीं फैली। चुनांचे उसके बारे में यहाँ पर बाकायदा नाम लेकर जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाही की बद्दुआ की, अल्लाह ने उसी बद्दुआ को उसके पर पलट दिया और आखिरकार ऐसी मौत मरा कि बच्चे भी उसे करीब अपने नहीं लाए, दूर से ही खड्डा खोद कर लकड़ियों के ज़रिए ढकेल कर उसको गले में डाल दिया गया। ऐसी बीमारी के अंदर उसे मौत दी गई। ये कौन था? दावत रोकने वाला, दावत की राह में रुकावट डालने वाला। आज भी अगर कुरान और हदीस की राह में कोई रुकावट डालता है, उस दावत को रोकने की कोशिश करता है, उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा जैसा कि अबू जहल का हुआ है। अल्लाह मौका देता है लेकिन जब मोहलत ख़त्म होती है नतीजा बड़ा भयानक निकलता है। अबू लहब को भी मौका मिला, ऐसा नहीं है कि उसने नबी के पर पत्थर बरसाए आसमान से उसके पर पत्थरों की बारिश हो गई, नहीं, जंग बद्र के बाद उसे मौत नसीब हुई और इंतहाई जिल्लत आमेज और इंतहाई घिनौनी मौत के उसकी अपनी औलाद उसके करीब आना गवारा नहीं की। तो अल्लाह की तरफ से यह अदाब को दावत देने वाला अमल है कि अगर आप कुरान और हदीस की दावत में रुकावट डालते हैं, उसे बंद करने की कोशिश करते हैं। आज अफसोस होता है कि लोग धड़ल्ले के साथ फ़खरिया अंदाज में कहते हैं, कहीं खुतबात कहीं दुरूस बंद करा दिया और इसे अपना कारनामा तसव्वुर करते हैं। ये अबू लहब की मिसाल अपने सामने रखो, इबरत का अंजाम बन जाएंगे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत थी। उसके बाद अल्लाह इशाद फरमा रहा है कि अल्लाह की इतनी साफ शफाफ दावत, दावत तौहीद, उसके बावजूद नतीजा क्या हुआ? इन लोगों ने अल्लाह ही की औलाद बना दी। कहा वकालु तखज़र रहमान वलदा, के रहमान ने अपने लिए औलाद बनाई है। कुरान क्या कह रहे हैं? सुबहाना, अल्लाह पाक है, बल इबाद मुकरमून, बल्कि ये अल्लाह के बाइज्जत बंदे हैं। फरिश्तों के ताल्लुक से कहा कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, नाउज़ बिल्ला, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना दिया। हालांकि फरिश्ते नर और मादा नहीं होते, ये इन जिन्स से पाक होते जो इंसानों के दरमियान पाई जाती है, नर और मादा के। अल्लाह ने इन तमाम चीज़ों से उन्हें मुबर्रा रखा, ना खाने की ज़रूरत, ना पानी पीने की ज़रूरत, ना सोने की ज़रूरत, हर किस्म से आज़ाद होते हैं जो इंसानों के अंदर पाई जाती है। उसके बाद भी इन लोगों ने नाउज़ बिल्ला फरिश्तों को ही अल्लाह की बेटी बना दिया और कहा कि ये रहमान की बेटियाँ हैं। ये कितना सख्त इल्ज़ाम है अल्लाह की ज़ात के पर। कुरान ने इसके बारे में, जैसा कि हज़रत उज़ैर हज़रत ईसा अलैहिम सलाम को बनाया गया, इसी में कुरान कितना सख्त कहता है, लकद जी तुम शई अन इद्दा तकाद समावत यतफत्तरन मिन वतनशक्कुल अर्द, कि तुमने ऐसी बात कही है, इतना सख्त जुर्म किया है कि करीब है कि आसमान फट जाए, ज़मीन अपने दरमियान जलजले पैदा कर दे। तुम ये कहते हो कि रहमान ने औलाद बनाई है। अल्लाह ने इसके बारे में इतना सख्त जुमला इस्तेमाल किया सूरह मरियम के आखिर में, और ये लोग भी वही कहते हैं। हालांकि आप इसके पर गौर कीजिएगा, सबसे पहली बात, औलाद की ज़रूरत कब पेश आती है? नस्ल के लिए, ताकि हमारी अपनी नस्ल बाकी रहे। अल्लाह तबारक व ताला इन तमाम उयूब से पाक है। हालांकि एक चीज़ जो इंसानों के लिए ऐब होती है वो अल्लाह तबारक व ताला के लिए शान है। अल्लाह बे औलाद है, ना उसको किसी ने जना, ना अल्लाह से कोई औलाद हुई। लेकिन इंसान का मामला ऐसा है कि अगर उसे औलाद ना हो ये ऐब बन जाता है, लेकिन अल्लाह के लिए वही चीज़ शान का बाइस है। दूसरी अहम बात यह है कि माँ बाप की ये फितरी कमज़ोरी होती है कि वो औलाद चाहते हैं ताकि माँ बाप की हैसियत से वो अपनी औलाद को प्यार कर सकें, मोहब्बत कर सकें। उसके बगैर घर सोना सोना नज़र आता है बगैर औलाद के। तीसरी अहम बात कि औलाद माँ बाप के लिए बुढ़ापे का सहारा होती हैं। लड़कियाँ अपनी माँ के लिए और बेटे अपने बाप के लिए सहारा, इसीलिए कहा जाता है ना, औलाद बुढ़ापे की लाठी होती है, सहारा होती है। अगर ये ना रहे तो इंसान बुढ़ापे में क्या करेगा? कौन उसके बुढ़ापे के अंदर उसको काम आएगा? अल्लाह तबारक व ताला इन तमाम चीज़ों से पाक है, वो बेऐब है, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो कय्यूम है, दूसरों को सहारा देता है। उसे कहाँ ज़रूरत है कि कोई उसको सहारा दे? औलाद की ज़रूरत सहारे के लिए बुढ़ापे के अंदर, जबकि अल्लाह तबारक व ताला इन तमाम चीज़ों से पाक है। और अलावा सी औलाद के लिए लाजिम है कि मियाँ बीवी का मिलाप, उसके बगैर औलाद नहीं हो सकती।
तो जब अल्लाह तबारक व तआला के लिए बात कह रहे हो तो कितना घिनौनी बात है कि आप अल्लाह के लिए वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो इंसानों के लिए होती है, जबकि अल्लाह इन तमाम चीज़ों से पाक है। अब यहाँ हमें तो पता है कि यहूदियों ने हज़रत उज़ैर को और ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। उसी रविश के पर चलते हुए उम्मत मुहम्मदिया के एक बड़े तबके ने जो गुमराही का शिकार हुआ, बिदात खुराफा शिरकियात जो तौहीद से चिड़ रखते हैं, इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से चोर दरवाजे में कहना शुरू कर दिया नूर मिन नूरिल्लाह, कि आप अल्लाह के नूर का एक हिस्सा हैं। एक बात बहुत प्यारी है, अल्लाह के नूर का जो हिस्सा कहा गया ये वही मतलब है औलाद बनाना। लेकिन गौर कीजिए, अल्लाह का नूर उसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुतालबा किया था, रब्बी अरिनी अंदुर इलैक, परदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने क्या कहा, ठीक है, अगर ख्वाहिश है, मुतालबा है, तो मैं काम करता हूँ कि पहाड़ के पर अपनी तजल्ली का ज़ुहूर करता हूँ। तजल्ली, एक लम्हे के लिए अल्लाह के नूर की वहाँ झलक आई। नतीजा क्या हुआ, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्का, पहाड़ जो दुनिया में सबसे ताकतवर समझा जाता है, नतीजा क्या हुआ, पूरा पहाड़ सुरमा बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। एक लम्हे के लिए अल्लाह की तजल्ली का ज़ुहूर हुआ। तो जो लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर का हिस्सा है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का क्या आलम होना चाहिए था, क्या उसे बर्दाश्त किया जा सकता है? जब पहाड़ अल्लाह का नूर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर ये माना जाता है कि आप अल्लाह के नूर का एक हिस्सा हैं, तो आपके अंदर भी वही खसूसियात होनी चाहिए थी जो अल्लाह के नूर की खसूसियत है, जबकि वो चीज़ें हैं ही नहीं। तो ये बातिल बल्कि शिरकिया अकीदा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मिन नूरिल्लाह माना जाए। हाँ, अब यहाँ एक बात ज़िमनन वजाहत के तौर पर होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग नूरे मुजस्सम मानते हैं, गलत। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरे हिदायत मानते हैं, हिदायत का नूर, जिसकी बुनियाद के पर लोग गुमराही से बचकर सही रास्ते की तरफ आ गए। तो आप नूरे मुजस्सम नहीं, नूरे हिदायत हैं, हिदायत का नूर है। जहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह कहा गया, उसका मतलब वही है। फरिश्तों के ताल्लुक से यहाँ ये जो अकीदा बना लिया गया है कि ये लोग अल्लाह की बेटियाँ हैं, अब कुरान मजीद ने इन लोगों के ताल्लुक से क्या कहा कि ये लोग अल्लाह के इंतहाई मुकर्रम फरिश्ते बंदे हैं, इबादत करते रहते हैं। एक हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जब कोई फ़ैसला करता है तो अल्लाह के फ़ैसले के वक्त तमाम फरिश्ते अल्लाह के रोब व जलाल की बुनियाद के पर बेहोश हो जाते हैं। बाद में जब उन्हें होश आता है तब मुकर्रबीन फरिश्तों से सवाल करते हैं कि मादा काल रब्बुकुम, कि तुम्हारे रब ने क्या कहा। उसके बाद जब ये बताते हैं तो बकिया फरिश्तों को मालूम होता है, पै दर पै ये तमाम फरिश्तों तक बातें पहुंचती है। अल्लाह के फ़ैसले के वक्त उनका आलम ये होता है, बेहोश हो जाते हैं, अल्लाह के रोब व जलाल को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये अल्लाह के मुकर्रब तरीन फरिश्ते हैं, इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया ला यसबिकूनहु बिलकौल, के वो किसी बात में अल्लाह की पेश दस्ती नहीं करते, यानी अल्लाह के हुक्म के आगे नहीं जाते, ना अल्लाह के हुक्म के पर एतराज़ करते हैं, चुपचाप सारी बातों को मान लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि अल्लाह का हुक्म है कि एक माँ से उसके बच्चे को जुदा करना है, वहाँ ये नहीं देखा जाता है, फरिश्ता ये नहीं सोचता है कि बच्चे के जुदा होने के बाद माँ का क्या आलम होगा, या अगर माँ को मौत की नींद सुलाना है और उसकी रूह को कब्ज़ करना है तो उसकी बुनियाद के पर दूध पीते हुए बच्चे का क्या होगा, वो ये नहीं सोचते। अल्लाह का हुक्म है, चुपचाप रूह कब्ज़ करते हैं। जो ऑर्डर दिया गया पूरी बस्ती के पर तबाही लाना है, पूरी बस्ती के पर तबाही लाते हैं, सुनामी लेकर आते हैं, पत्थरों की बारिश करते हैं, जो करना है जो हुक्म मिलता है चुपचाप करते हैं, उसके बारे में किंतु परंतु एतराज़ नहीं होता, कोई सवाल नहीं होता, उसी को अल्लाह ने यहाँ पर बयान किया है। आगे कुरान ने इन लोगों की एक फजीलत बयान की, यानी जिस तरह अंबिया और अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की जनाब में क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे,
तो फरिश्तों को भी ये एहसास मिलेगा कि वो भी सिफारिश करें। लेकिन सिफारिश के ताल्लुक से बिल्कुल वाज़ेह है कि ये उन्हीं के हक में होगी जिनके ताल्लुक से अल्लाह इजाज़त दे। मन अज़िन लहु रहमान, रहमान जिनके बारे में इजाज़त दे, व रदिय लहु क़ौला, और उनकी बात से अल्लाह राज़ी हो। दोनों शर्तें अहमियत के हामिल है। अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई सिफारिश नहीं करेगा, और इजाज़त के मिलने के बाद ऐसा नहीं होगा अपनी मनमर्ज़ी जिसके बारे में चाहे सिफारिश करे। अल्लाह जिसके बारे में राज़ी होगा, जो बात अल्लाह को पसंद आएगी उतनी ही कही जाएगी। अब यहाँ अल्लाह ने बयान किया इन लोगों को भी सिफारिश की इजाज़त होगी, लेकिन उन्हीं लोगों के बारे में जो अहले तौहीद होंगे, उन लोगों के ताल्लुक से इजाज़त दी जाएगी। वहुम मिन खशियती मुशफिकून, हालांकि फरिश्ते अल्लाह की खशियत से, हैबत से लर्जा व तरसा है। कुरान में एक लफ्ज़ होता है खशियत या के साथ, एक होता है खशियत ऐन के साथ, दोनों के दरमियान फ़र्क है। खशियात कहते हैं जो ऐन के साथ होता है, जैसा कि कुरान मजीद ने क्या कहा, कद अफलहल मुमिनून अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। ये खुशू है, ये खुशू जो जिस मौके पर तारी होता है, यानी इबादत करते वक्त तो लगता है कि वाकई बंदा दिल लगा कर इबादत कर रहा है। अगर एक बंदा दिल लगा कर इबादत नहीं कर रहा है, समझ में आ जाता है, चेहरे से आव भाव से समझ में आता है। लेकिन अगर वो दिल लगा कर इबादत कर रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वाकई इसका दिल मुकम्मल तरीके से अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है। उसी को खशियत कहा जाता है कुरान का खाशिऊन। और खशियत जो या के साथ है, जैसा कि यहाँ कुरान ने कहा वहुम मिन खशियती ही, वो अल्लाह की हैबत खशियत से लर्जा व तरसा होते हैं। खशियत कहते हैं अल्लाह के बारे में इल्म, अल्लाह की सिफात उसकी ज़ात के बारे में, उस इल्म की बुनियाद के पर जो खौफ तारी होता है उसे कुरान खशियत कहता है। और जो अल्लाह के सामने उसकी सिफात के बगैर सिर्फ इबादत के वक्त लर्जा व तरसा होते हैं, बॉडी लैंग्वेज बताती है कि अल्लाह की तरफ दिल लगा कर इबादत कर रहा है, वो खुशू है। दोनों के दरमियान बड़ा लतीफ़ फ़र्क है। इसीलिए कुरान ने क्या कहा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह से वही लोग डरते हैं जो उलमा हैं, यानि जो अल्लाह की सिफात अल्लाह की ज़ात के बारे में इल्म रखते हैं। इसलिए कि बंदा अल्लाह को जितना जानेगा, जितना उसकी सिफात के बारे में इल्म रखेगा, उतना ज़्यादा वो अल्लाह से डरेगा। और फरिश्ते भी इस बाब में अल्लाह के बारे में बहुत अच्छा इल्म रखते हैं, चुनांचे इसलिए उन लोगों के अंदर खशियत होती है, इसलिए कि वो अल्लाह के अस्मा सिफात अल्लाह की ज़ात के बारे में आलिम होते हैं, जानते हैं। हाँ, कुरान ने यह भी कह दिया कि अगर उनमें से कोई ये कहे इन्नी इलाहुम मिन दूनी, के अल्लाह के सिवा मैं माबूद हूँ, तो नतीजा क्या होगा, फ़ज़ालिका नजज़ीही जहन्नम, हम उसे जहन्नम में डाल देंगे। इसी तरह हम जालिमों को बदला देते हैं, फरिश्तों को नहीं बख्शा जाएगा अगर वो ये कहें कि अल्लाह को छोड़कर मेरी इबादत करो। अल्लाह अपने करीबी फरिश्तों को नहीं छोड़ेगा बिलफर्ज़ अगर उन्होंने कहा। कहने का मकसूद ये है कि अल्लाह शिरकों को कतन बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए 18 अंबिया के आराम का तस्करा करने के बाद सूरह अनाम में अल्लाह कहता है वलव अशरकू, अगर बिलफर्ज़ इन लोगों ने भी शिर्क किया लहबितानु मा कानू यामलून, इनके सारे अमाल को अल्लाह ज़ाया कर देगा। नबी को ख़िताब करके अल्लाह ने कहा लइन अशरकत लहबतन अमलू, कि अगर आपने भी बिलफर्ज़ शिर्क किया तो आपके सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। तो फिर उम्मत मुहम्मदिया के आम अफराद की क्या बिसात क्या मजाल रह जाती है कि अगर वो शिर्क करें तो शिर्क के बाद उनके आमाल को अल्लाह कबूल करें, कतन कबूल नहीं करने वाला है। अब अल्लाह अपनी उलूहियत अपनी रबूबियत के दलाइल पेश कर रहा है। सबसे अहम बात यहाँ अल्लाह ने जो बयान की जो तारीखी साइंसी हैसियत रखती है, साइंस की ज़बान में जिसे बिग बैंग कहा जाता है, एक बहुत बड़ा धमाका जिसकी बुनियाद के पर ज़मीन और आसमान एक दूसरे से अलहदा हो गए। कुरान ने क्या कहा अवलम यरल्लज़ीन कफरू, क्या इन काफिरों ने ये नहीं देखा यानि जाना नहीं, इसके पर गौर नहीं किया, अन्न समावाति वल अर्द, के आसमान और ज़मीन का नता रतका, आपस में मिले हुए थे, बाहम मिले हुए थे, फफतकनाहुमा, फिर हमने उन्हें जुदा कर दिया, अलाहिदा कर दिया। तो आसमान और ज़मीन, हालांकि ये बहुत लंबी तफसील है इस बाब के अंदर, कुरान मजीद ने कहा कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले थे। साइंस ये भी कहता है कि पहले आसमान ये गैस का एक गुब्बारा था, कुरान ने कहा कि अल्लाह सुमस्तवा इलस्समा, अल्लाह उसके बाद आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, इरादा किया, वही यदुखानुन,
जबकि वो धुआं था, गैस था। उसके बाद अल्लाह ने उसे आसमान बना दिया। तो कायनात जब पैदा हुई, एक दूसरे से चीज़ें मिली जुली थी। अल्लाह ने इन तमाम चीज़ों को अलहदा किया। उसी को कुरान मजीद यहाँ पर बयान कर रहा है, कानता रत्कन फफतकना हुमा, दोनों मिले जुले थे, हमने दोनों को अलहदा कर दिया। वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय, हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। हर चीज़ जो अल्लाह ने पैदा की है, जो ज़ीरू है, उसमें पानी का उंसुर शामिल है। बग़ैर पानी के वो ज़िंदा नहीं रह सकती। ये हकीकत है, कुरान मजीद ने बयान की। अफला युमिनून, क्या उसके बाद भी वो ईमान नहीं लाते? उसके बाद अल्लाह आसमान के पहाड़ों के ताल्लुक से कहता है कि हमने पहाड़ ज़मीन के पर लाद दिए, कील की तरह, मेघ की तरह, इसलिए कि ज़मीन पैदा होने के बाद इसको ले रही थी, हिल रही थी। और उसके बाद जब अल्लाह ने पहाड़ों को मेघ की तरह गाड़ दिया, तो ये हिचकोले लेना बंद कर दी। अरे बहुत अहम बात है कि अल्लाह ने इंसानों को, जब आदम अलैहिस्सलाम को निकाला तो ज़मीन के पर बसाया, चाँद के पर या कोई और सितारे या सैारे के पर नहीं। इसलिए कि अल्लाह जानता है कि ज़मीन ही इंसान के रहने के काबिल है। यहाँ पर ऑक्सीजन की एक फ़िज़ा है जिसमें इंसान सांसें ले सकता है, और बकिया जगहों के पर इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए ना पानी वाफिर मकदार के अंदर मौजूद है, ना ऑक्सीजन है, और ना ही वो तमाम तर सहूलियात जो इंसानी ज़िंदगी के लिए होनी चाहिए। तो अल्लाह जानता था। यही तो अल्लाह के अलीम होने और हकीम होने की दलील है कि अल्लाह अपनी मखलूक को पैदा करने के बाद जानता है कि उसे कहाँ बसाना है, कौन सी जगह उसके लिए सूटेबल होगी और उसके लिए काबिल होगी। वजअलना समा सक़फ़ महफूज़ा, और आसमान को मजबूत छत बना दिया, वो इंसानों के पर या ज़मीन के पर गिरता नहीं है। उसके बाद भी ये काफिर एराज़ करते हैं। वहुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन्नहार, दलाइल पेश कर रहा है। अल्लाह ने दिन को पैदा किया, रात को पैदा किया, सूरज को पैदा किया, चाँद को पैदा किया। कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, हर कोई अपने अपने मदार पर तैरते फिरते हैं। अब अल्लाह ने यहाँ चांद और सूरज दोनों के बारे में कहा, दोनों गर्दिश कर रहे हैं। साइंसों के अंदर ये मसला काफ़ी पेचीदा रहा। कभी कहते थे कि ज़मीन गर्दिश कर रही है, सूरज अपनी जगह के पर रुका हुआ है, और कभी कहते कि नहीं, सूरज गर्दिश कर रहा है, ज़मीन रुकी हुई है। कुरान ने कहा कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, हर कोई अपने मदार के पर गर्दिश कर रहा है, तैर रहा है। ज़मीन 66,000 किलोमीटर की रफ़्तार से गर्दिश कर रही है, लेकिन इंसान महसूस नहीं कर पाता। इसमें किसी किस्म का वाइब्रेशन नहीं है, ना ये हिचकोले लेती है, ना इसकी बुनियाद के पर हमें ज़मीन के पर चलना फिरना दोबर होता है, कुछ भी नहीं, महसूस तक नहीं होता है कि ज़मीन इतनी रफ़्तार के साथ चल रही है। यही अल्लाह की कुदरत कामला है। आगे कुरान मजीद ने मुशरिकीन का रद्द करते हुए कहा, वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इन सारे दलाइल की बुनियाद पर सोचते थे कि आखिर एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ जाएगी, मामला फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह ने उसी का जवाब दिया कि हमने तो किसी इंसान को हमेशा के लिए नहीं रखा, हमेशगी नहीं दिए। अफ़ इमिता फ़ाउमुल खालिदून, कि आप अगर मौत पा जाते, कुरान कितना वासे कह रहा है, अफ़ इमिता, मौत का लफ्ज़ कुरान मजीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यहाँ भी इस्तेमाल किया, सूरे आल इमरान के अंदर भी इस्तेमाल किया, सूरे ज़ुमर के अंदर भी इस्तेमाल किया, इन्नका मय्यित व इन्नहुम मय्यितून। उसके बाद भी लोग नाऊज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ मौत पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पसंद करते? उसकी जगह लोग इस्तेमाल करते विसाल। विसाल का क्या मतलब है? अगर ये चीज़ विसाल या पर्दा कर गए, जो हमारे यहाँ कहते हैं, ये सारी चीज़ें बेमाना बेहसियत है। कुरान ने कहा कि आपको मौत आता रही। यहाँ तक के बरेलवी हजरात भी कहते हैं कि मौत एक लम्हे के लिए आई। तो सवाल यही पैदा होता है ना कि अगर एक लम्हे के लिए भी आई तो मौत तो आई ना आपको, उसके बाद आप फिर ज़िंदा कर दिए गए। ये जाहिल लोग अपनी किताबों में लिखते हैं, अफसोस होता है इन लोगों की जहालत के पर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे को जब असहाब इकराम लेकर जा रहे थे तो आप अपने सहाबा से बातें कर रहे थे। इन जाहिलों को इतना पता नहीं कि नबी का जनाजा उठा ही नहीं, इसलिए कि जिस जगह के पर हुजरा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जहाँ आपकी मौत वाके हुई थी, उसी जगह आपको दफन किया गया। तो जब आपका जनाजा उठा ही नहीं, उसी जगह के पर आपको कफन दफन किया गया, और असहाबे किराम बग़ैर किसी इमाम की इमामत में आकर नमाज पढ़ रहे थे, पहले मर्दों ने नमाज अदा की, फिर बच्चों ने, फिर औरतों ने नमाज अदा की, हर कोई तन्हा तन्हा, कोई इमाम नहीं था, अपनी अपनी नमाज पढ़कर चले गए।
तो आपको उसी जगह रखा गया। चलो ठीक है, बिलफर्ज़ मान लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, बातें कर रहे थे, नाउज़ बिल्ला असहाब इकराम को आप कितना बड़ा गुस्ताख बता रहे, नबी जिंदा है और उनको जिंदा दफन कर दिया। तुम्हारा बाप अगर जनाजे में तुमसे बातें करेगा तुम दफन करोगे? तुम्हारी माँ अगर बात करेगी उसको दफन करोगे? ये नबी के बारे में कि नबी बातें कर रहे हैं और साहबा ने नाउज़ बिल्ला दफन कर दिया? इन जाहिलों को इतना नहीं पता। यही कहा जाता है कि इंसान जितना बदअकीदगी का शिकार होगा उतना बड़ा गुस्ताख बनेगा। तो ये गुस्ताखी बदअकीदगी की बुनियाद के पर पैदा होती है। जितना अकीदा बिगड़ेगा उतनी बड़ी गुस्ताखी का शिकार होंगे। तो साफ कहा कुरान ने, कहा कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, ये अल्लाह का फैसला है। हाँ, वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुम्हें बतौर इम्तिहान के भलाई और बुराई के ज़रिए आज़माते रहेंगे कि वह इलैना तुरजऊन, आखिरकार तुम सबको हमारी तरफ लौट कर आना है। ये अभी सिलसिला कलाम जारी है जिसमें मुशरिकीन का या गुमराह लोगों का रद्द किया जा रहा है, चाहे वो कायनात के ताल्लुक से हो या अल्लाह के ताल्लुक से हो या इंसानी ज़िंदगी के ताल्लुक से हो। इंसान किसी जगह भी गुमराही का शिकार हो, चाहे अल्लाह के बारे में कि अल्लाह के ऊपर ईमान ना रखे, कुफ्र करे, या अल्लाह को मानने के साथ उसकी बेटियां बना दे, बेटे बना दे, जो भी गुमराही हो उसका भी रद्द किया जा रहा है। अलावाजी इंसान को अल्लाह ने पैदा किया या कायनात के ताल्लुक से जो उसकी बदअकीदगी है, सारी चीज़ों को कुरान मजीद क्लियर कर रहा है। इसलिए कि कुरान का मौजू ही इंसान है, इंसान के अंदर जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं खिलाफ शरीयत, उन तमाम चीज़ों की इसलाह करना और उसे अल्लाह की बारगाह में पाक व साफ बनाकर पेश करना है। इंशाअल्लाह तफसीली बातें जो आइंदा के दरस में आएगी वो अपनी जगह पर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे अकीदे को बेआइन ही उसी तरह बनाए जैसा उसने अपनी किताब और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी हमको बयान किया है। हर किस्म की गुमराही फिक्र इन्हराफा से हमारे अकीदे को सलामत रखे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।